आज कांग्रेस का लाभ कोई भी लाभ, लोकतंत्र का लाभ है और तानाशाही का खात्मा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी बात भी हो। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान के सियासी गलियारों में इन दिनों सिर्फ दो ही बात खासा सुर्खियों पर है। सबसे पहला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से खुली दुश्मनी मोल ली है, तो वहीं सचिन पायलट की गुपचुप मुलाकात भी इन दिनों सियासी गलियारों में खासा सुर्खियां बटोर रही है। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 26 महीने का भूला अगर वापस लौटे तो उसे भूला नहीं बल्कि बंसी वाले घनश्याम तिवाड़ी कहते हैं। जी हां, ठीक सुना आपने। कभी भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे घनश्याम तिवाड़ी अरसे बाद अपने पुराने ठिकाने यानी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधिवत घर वापसी कराई। इस घर वापसी पर तिवाड़ी और पूनिया क्या बोले, पहले उसे सुनिए। हमारे विचार परिवार संगठन के बहुत ही पुराने, जिन्होंने आपातकाल में संघर्ष किया और राजस्थान की राजनीति में जिनको एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के नाते जाना जाता है, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय घनश्याम तिवाड़ी जी वो आज भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहना मेरी छटपटाहट थी, मैं बाहर नहीं रह सकता था। मैंने अध्यक्ष जी से आग्रह किया, अध्यक्ष जी ने केंद्रीय नेतृत्व किया और केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान की इकाई दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेरा घर वापसी नहीं, मैं घर में ही हूँ, घर में ही था और घर में ही रहूंगा। तिवाड़ी की घर वापसी तो हो गई, लेकिन आज भाजपा मुख्यालय में तिवाड़ी की घर वापसी से ज्यादा वसुंधरा राजे की चर्चा थी। दरअसल चर्चा थी कि पूनिया ने जानबूझकर ऐसे वक्त में तिवाड़ी को पार्टी में लाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि मरुधरा के सियासी रण में अब महारानी युग खत्म हो चुका है। गौरतलब है कि घनश्याम तिवाड़ी वसुंधरा राजे के धुर विरोधियों में शुमार रहे हैं। तिवाड़ी राजे के नजरों में इतना खटकने लगे थे कि राजे ने तिवाड़ी को भाजपा छोड़ने पर विवश कर दिया था और आखिरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तिवाड़ी ने भाजपा छोड़ नई भारत वाहिनी पार्टी का गठन किया था। तिवाड़ी भारत वाहिनी के बैनर तले विधानसभा का चुनाव भी लड़े, लेकिन जनता ने जमानत जब्त कर घर बैठा दिया था। अब ढलती उम्र और बेटे की चिंता तिवाड़ी को दिन रात सता रही थी, लिहाजा तिवाड़ी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पहलुओं में जा बैठे। तब मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे ने विधिवत तिवाड़ी को कांग्रेस में शामिल किया था। तब तिवाड़ी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में मिठास के साथ जाना चाहता हूँ। सुनिए तिवाड़ी का तब का बयान। कांग्रेस पार्टी में मिठास के साथ सम्मिलित हूँ, इसलिए इन सबका भोजन का कांग्रेस निष्ठ होना चाहते हैं मेरे साथ साथ, घनश्याम निष्ठ के साथ साथ कांग्रेस निष्ठ अपने हाथ खड़े कर दीजिए सबके साथ। खैर, सियासी महत्वाकांक्षा नेताओं को हर वो काम करने पर विवश करती है जो शोभनीय नहीं लगता। खैर, क्या करें सियासी मजबूरियों का, लिहाजा भाजपा में राजे को इन दिनों साइडलाइन करने की कोशिशें भी भरपूर चल रही हैं। तो वसुंधरा विरोधियों के लिए यह सबसे मुफीद मौका था कि तिवाड़ी की पार्टी में वापसी करवाकर राजे के कमजोर होने का एक सियासी संदेश दिया जाए। लिहाजा आज राजे के एंटी खेमे ने तिवाड़ी की घर वापसी तो करा दी। खैर, सियासत में ऐसा होना कोई नया नहीं है, लेकिन नेताओं की जुबान वक्त के साथ कैसे बदलती है उसका नमूना आपको जरूर देखना चाहिए। मैं कांग्रेस में गया नहीं, कांग्रेस के मंच पर गया सिर्फ, कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं बना। कांग्रेस के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में
जो सीए के खिलाफ था, जो धारातीन 70 के खिलाफ था, किसी भी कार्यक्रम में मैंने भाग नहीं लिया और मैं घर पर रहा। लाभ मिला वो लोकतंत्र को लाभ मिला। आज कांग्रेस का लाभ कोई भी लाभ लोकतंत्र का लाभ है और तानाशाही का खात्मा है, इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर ये काम तय किया। कुल मिलाकर वसुंधरा के एंटी गुट ने तिवाड़ी की वापसी तो करा दी, लेकिन अब आगे राजे का प्रहार कैसा होगा इस बात का इंतजार अब हर किसी को है, क्योंकि राजे चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं कांग्रेस के कुनबे की, जहां इन दिनों एक नई चर्चा चल पड़ी है। दरअसल चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट की कमलनाथ से गुपचुप मुलाकात हुई, क्योंकि कमलनाथ हाल ही में जयपुर आए थे और इस दौरान वो सिर्फ पायलट से मिले, गहलोत से नहीं मिले। बस बात इतनी सी थी, लेकिन दोनों गुटों के लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया कि कमलनाथ जयपुर आए तो पायलट से ही क्यों मिले, गहलोत से क्यों नहीं मिले। इस बात के भी सियासी मायने निकाले जाने लगे। खैर, ये सियासत है साहेब, और यहां तो बातों का बतंगड़ बनाने का पुराना दस्तूर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट। और वैसे भी कहा जाता रहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, और वैसे भी सियासत में ये दस्तूर बेहद पुराना रहा है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।